प्लस द लॉग एम अपॉन एन से स्क्वायर प्लस द वन अपॉन एक्स, ये आ गया। और ये बन गया यानी कि एक एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन और प्लस का लॉग, इसके नीचे आ रहा होगा तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इधर चल रहा है वन अपॉन क्यू डी हो, तो इधर लिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसे लिखाते हैं, लेफ्ट हैंड में वन अपॉन यू चल, वन अपॉन यू डी चल रहा है, तो डी यू को रोक लें, डी यू अपॉन डी एक्स यू उधर आ गया और ये सारी चीज आ गई, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, राइट। यू की वैल्यू दिस, तो ये कंप्लीट लिख लेंगे, यू का मान एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस का लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये हो गया दोस्तों आपका डी यू अपॉन डी एक्स। लेकिन अभी डी यू अपॉन डी एक्स आया, नाउ अभी लिखेंगे बी हमारे पास है एक्स की होल पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, राइट। और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वही वेरिएबल का वेरिएबल, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड इट के लॉग वी एन की पावर एन से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बाहर और लॉग एक्स, ये हो गया। अब हम इसका दोस्तों ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फिर से करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा उसको वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी, अब तो ये लेफ्ट में चलता रहेगा, फर्स्ट एज इट इज डायरेक्ट करेंगे, सेकेंड का लॉग उसका वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड ऐसे डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये ठीक दोस्तों। आज मैं हल भी ले सकते हैं इसका, और दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इसे इसके नीचे अगर वैसे ही लिखा रहने देते हैं हम जैसा ये है, तो ये अलग वन प्लस वन अपॉन एक्स जैसा है वैसे लिखा अगर रहने देंगे इसको हम, तो ये आराम से आ जाएगा, फर्स्ट ऐसी सेकेंड ये सेकेंड ऐसी फर्स्ट ये, ठीक। बाकी ये राज भाई अलग अलग एक ही बात है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन ये बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स और डिफरेंशिएशन वन का जीरो और वन अपॉन एक्स का माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जीरो माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इट मींस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर बिल्कुल बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में साथ में है लॉग एक्स, राइट। तो इसके नीचे अगर हम देखें तो दोस्तों एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया दोस्तों, वन अपॉन एक्स और साथ में यू चल रहा है वन अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स, राइट। तो यही पे इसका काम तमाम कर लेते हैं, सॉरी यू की जगह वी हो गया, तो डी वी अपॉन डी एक्स, तो वी मल्टीप्लाई में आ गया ना वी, वी मल्टीप्लाई में आ गया और इधर हो गया वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू है दोस्तों x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x और 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया dv अपॉन dx। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ d upon dx and dv upon dx in equation 1, हिंदी में भी लिखेंगे। अब dv upon dx and तथा dv upon dx के मान समीकरण एक में रखने पर, तो जब समीकरण एक में रखेंगे तो दोस्तों इसका मान कितना है हम दे देते हैं आपको, तो दोस्तों इक्वेशन वन ये समीकरण ये लिख लिया हमने, अब यहां पर हमें dv upon dx का वैल्यू और dv upon dx का मान निकालना है, तो इज इक्वल टू
जीरो पॉइंट एस तो ये ऑलरेडी हमारे लिख हुआ है, ये हो गया इक्वल टू वन, ये प्लस और जीरो पॉइंट एस का मान पूरा ये लिख हुआ है, इन दोनों के साथ ऐड करके होंगे एस नाउ वन पॉइंट, ये जैसे हो रहा है वन पॉइंट प्लस वन पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एस स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे पास डी वाई अपॉन एस का आंसर हो गया है राइट इस क्वेश्चन का। तो इसे हम नॉट सॉल्व कर देते हैं ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर ए की पावर e की पावर x की होल पावर मतलब उसकी पावर x, तो दिए गए बहुत आसान तरीका दोस्तों, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स तो लॉग बाय लॉग e की होल पावर x की पावर x, इसे पूरा पावर में मान लिया तो m की पावर n से पीछे आ गया s की पावर s log e, और वही log e 1 तो दूसरे बन गया s की पावर s log y ठीक। अब देखेंगे लॉ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोस्तों लगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई राइट। तो इसे डी वाई अपॉन डी एक्स वाई को अपॉन वाई करके लगाया और ये बन गया डी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन में मान के नहीं छोड़ दिया, देखेंगे वही मेरा माने जहां यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, फिर से दोनों लॉग यू पर लॉग यू एम की पावर एन से एक्स लॉग एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नाउ व्हाट आई एस इट, अब एक्स के सापेक्ष दो लॉग प्लॉट करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोस्तों ये बन जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड और इधर हो गया वन अपॉन यू डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही एक्स का वन, ये कैंसिल हो गया, फिर वही डी अपॉन डी एक्स u उधर आ गया और ये बचा 1 प्लस log x और u का मान दोस्तों कितना है x की पावर x, तो 1 प्लस log x, ये मान समीकरण 1 में रखने पर या from 1 समीकरण 1 से, इसलिए dy upon dx का मान जो आया y, तो y की वैल्यू दोस्तों क्या है e की पावर x into du upon dx, ये पूरा ये रखा है, ये हो गया x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हमारा दोस्तों इसका आंसर है ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 इसके 1, 2, 3 तीन पार्ट है दोस्तों, पहले दो पार्ट हम लेने के लिए तीसरा पार्ट बाद में बताते हैं, देखिए दोस्तों इसका आंसर पहला पार्ट given y is equal to e की पावर sin x, दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, तो चाहे तो वेरिएबल है कि डायरेक्ट x मान के लो दे तो बिना इसके बिना लॉग मान के कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस में हमारे पास ये हो गया दोस्तों डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू e की पावर s का e पावर x इनटू डिफरेंशिएशन sin x का cos x, ये डिवाइड अपॉन dx sin x, तो दोस्तों ये लगा cos x इनटू e की पावर sin x, ये तो सिंपल था, ये आंसर हो गया। और इसका सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बढ़िया है, गिवन y इज इक्वल टू x की पावर x, अब यहां वेरिएबल हो गया ये वेरिएबल ये वेरिएबल, यहां पर ये वेरिएबल नहीं था x नहीं था, इसलिए e की पावर x का फार्मूला मान लो मान के कम गया, टेक इट लॉग इन बोथ साइड दोनों लॉग इन पर टेक इट लॉग इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग बाय और लॉग एफ की पावर साइन एक्स एम की पावर एन फॉर्मूला लिख के हिसाब से लेंगे साइन एक्स लॉग एक्स
फर्स्ट टू सेकंड बच गया यहां, ये चल रहा है लॉग पॉइंट। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड में लॉग पॉइंट है, यस ये हो जाएगा वन अपॉन वाई डी बाई अपॉन डी एक्स, और इधर हो जाएगा साइन एक्स, डायरेक्ट लगाए फर्स्ट एसी लॉग एक्स को वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड एसी लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये बिल्कुल अलग है लॉग और ये अलग है, तो इसे एंगल अलग है, इसे पहले लिख लेंगे। और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके इधर आ गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है फाइनल आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई का मान है एसी पावर साइन एक्स, तो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ये आंसर होगा दोस्तों। चलिए इसका थर्ड पार्ट इधर करते हैं दोस्तों, थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर लॉग एक्स, वही l की पावर ऐसे लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स राइट, ये हो जाएगा दोस्तों लॉग y log तो m की पावर n ये है पावर तो की छुपाई, तो डबल लॉग बनेगा log x, तो ये रहा इनटू log cos x, ये फर्स्ट ये सेकंड। नाउ वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x राइट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट हैंड से लगा 1 upon y divided upon dx, फर्स्ट ऐसे प्लस राइट इट कम्स लॉग एक्स का अपॉन एक्स और कॉस एक्स का माइनस एन एक्स राइट, लॉग कॉस एक्स और यहां वन अपॉन एक्स, तो दोस्तों ये और आंसर है यहां गया साइन अपॉन कॉस, तो लिखिए फिर एक बार और वन अपॉन एक्स बड़ा इधर देखा थे वन अपॉन वाई चल रहा वाई इधर दे देने और बस उसका हिसाब हो जाएगा, तो माइनस वन में तो पहले प्लस वन लिखते थे वन अपॉन एक्स और साइन अपॉन कॉस टेन वाई की वैल्यू होगी लगा देना और ये फाइनल आंसर हो गया। लॉग अपॉन एक्स लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस टेन एक्स लॉग एक्स, और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और दोस्तों नई उम्मीद नई तरह के साथ हम बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।